आज मौसम के उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू का पटनीटॉप बर्फ के सफेद चादर में ढक गया है, तो वहीं बागेश्वर में बारिश के साथ ही कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम, मनाली और रोहतांग में भी हर तरफ बर्फ के सफेद चादर बिखरे हुए है और सैलानियों के लिए बड़ा अच्छा समय क्योंकि वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बाबा केदार का धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं मनाली की, जहां पर एक बार फिर से बर्फबारी। सैलानी पहले ही मनाली में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हर तरफ सैलानी बाहर दिखाई दे रहे हैं और इस मौसम में चमकर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं रोहतांग पास मनाली से थोड़ा सा ऊपर जाकर और वहां पर भी बर्फ ही बर्फ है, गाड़ियां भी बर्फ में वहां ढकी हुई नजर आ रही है। तो सैलानियों के लिए, व्यापारियों के लिए ये बेहतरीन समय है कि टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से बर्फबारी से सैलानियों की संख्या बढ़ेगी उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, कश्मीर में भी। खूबसूरत मनोरम दृश्य, हरे हरे पहाड़ों पर बर्फ की ये सफेद चादर और मानो चांदी से लिपटी हो इन पहाड़ों पर। ये तस्वीरें हैं रोहतांग पास की, जहां पर मनाली जब सैलानी जाते हैं तो रोहतांग पास वो जरूर जाते हैं और रोहतांग पास पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि अब सड़क पर भी बर्फ ही बर्फ है, लेकिन जो रोहतांग पास के इर्द गिर्द है वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत नजारा है और सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। ये मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर भी बर्फ, ऐसे में फिसलन बढ़ जाती है सड़कों पर भी और गाड़ियां फिसलती हैं सड़क से, हादसे का शिकार भी होते हैं। बहुत सावधानी से जो भी पहाड़ों पर जा रहे हैं वो ड्राइव करें। और ये जो तस्वीर है ये केदारनाथ धाम की है, यूं तो केदारनाथ धाम के कपाट अभी बंद है लेकिन फिर भी वहां पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे होते हैं, लेकिन अभी वो भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं।